दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है और इस पर जो रेटिंग दी होती है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हमें किस रेशियो का लेना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल क्या होता है, सबके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रही है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो ट्रांसफार्मर दिख रहे होंगे, एक पर रेटिंग लिखी है 12012 और 1.5 एम्पियर। इसमें तीन तार निकले हुए आपको दिख रहे हैं, दो ग्रीन हैं एक ब्लैक है। ऐसे ही दूसरे वाले ट्रांसफार्मर में है 12012 लिखा है और इधर दो वायर निकले हैं, उधर भी आप उसमें भी आपको दो ग्रीन वायर दिख रहे हैं और एक ब्लैक वायर है। तो ये जो 12012 लिखा होता है ये इसका मतलब होता है कि अगर आप दोनों ग्रीन वाले वायर को लेंगे तो 12 12 मिलकर के 24 वोल्ट हो जाएगा। यानी अगर आप ये लाल वाली वायर जो है इसमें आपको जो 220 वोल्ट आप इसको सप्लाई देंगे तो हमारा ये 24 वोल्ट डीसी आपको बना करके देगा, और अगर 12 0 को ले लेते हैं और 12 12 को नहीं लेते हैं तो हमारा 12 वोल्ट ही डीसी बना कर देगा आपको। इसी तरीके से आपको एक और दूसरा ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा है 012 और ये 3 एम्पियर का है। इसमें आपको 24 वोल्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ 12 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको दो तार ही निकले हुए दिख रहे हैं ये ब्लू कलर के। ये हमारे 12 वोल्ट निकाल कर आपको सप्लाई देंगे, जब आप रेड कलर के तार जो हैं जब उसमें आप 220 वोल्ट देते हैं तो हमारा ये 12 वोल्ट डीसी बना करके देता है और ये 3 एम्पियर तक ये काम करेगा। तो आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर, ये दो हमारे सामने और दिख रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये 12012 ही हो सकता है, 909 भी हो सकता है। 909 में क्या होगा, आपका 9 वोल्ट निकाल करके देगा डीसी और 12012 में 12 वोल्ट निकाल के देगा। तो ये आपको देखकर नहीं परेशान होना है, ये कितना भी हो सकता है आपका, आपको जितनी सप्लाई चाहिए आप उससे ले सकते हैं। अगर आप तीन वायर वाले लेंगे तो आप दो तरह की सप्लाई से ले सकते हैं, अगर 12012 का है तो 12 वोल्ट भी ले सकते हैं 24 वोल्ट भी ले सकते हैं। अगर 12012 को सेलेक्ट करेंगे तो 24 वोल्ट आएगी, और अगर 12 और 0 को लेंगे यानी बीच वाला वायर और ये साइड वाला वायर लेंगे तो आपको 12 वोल्ट डीसी निकाल करके देगा, देना आपको इसमें जो 220 वोल्ट ही सप्लाई होती है। तो ये इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, इसे डीसी निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं होता है। अगर आपको प्योर डीसी चाहिए होगा तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर लगानी पड़ेगी, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। यहीं ख़त्म करते हैं।